टाइगर किरर ब्लॉग्स जैसा वीडियो एडिटिंग कैसे करें फ्रेंड्स, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों की कमेंट आ रही है कि फुल डिटेल में एक वीडियो बनाओ भाई, फुल डिटेल में वीडियो बनाओ कैसे एडिटिंग की जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताने वाले हैं, एडिटिंग करके बताने वाले हैं कैसे आपको सॉन्ग लगाना है, कैसे आपको जूम करना है फोटो को, ठीक है, कैसे क्या करना होगा, सारा कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना, हो सके तो वीडियो को अभी लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ, मेरा भी एक चैनल है कृष्णा AM ब्लॉग्स, जिस पे हम सेम वैसे ही वीडियो मैं भी क्रिएट करता हूँ, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहाँ पर हम आपको पूरा फुल डिटेल के साथ बताते हैं कैसे आपको उस तरीके का वीडियो एडिट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में BN ऐप इंस्टॉल कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, अगर आपके पास आईफोन है तो आपको ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो उसमें भी BN ऐप मिल जाता है। इंस्टॉल कर लेना है और फिर ओपन कर लेना है BN ऐप को, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर स्किप कर देना है और नीचे यहाँ पर प्लस बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब जो भी वीडियो आपने शूट करके रखी है उस वीडियो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मैंने अपनी ब्लॉग शूट करके रखी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद से सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद से अब हमारी वीडियो आ जाएगी। अब जो भी फालतू पार्ट है सबसे पहले उसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा फालतू पार्ट है, मैंने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के लिए सिंपल अपने ये व्हाइट वाले लाइन पे लाएंगे, जो भी आगे का फालतू पार्ट है उस वहाँ तक रखेंगे, और उसके बाद से नीचे यहाँ पे देखेंगे कैंची का एक ऑप्शन मिलता है लिखा हुआ स्प्लिट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा फालतू पार्ट डिलीट हो गया। अब यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। सो अब यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की एक कमेंट आ रही है कि हम कैसे एडिट करें, कैसे एडिट करें, आप फुल डिटेल में वीडियो बनाइए। तो वो आप लोगों के लिए फुल डिटेल में ही बना रहा हूँ और इस वीडियो में पूरे मतलब आसान तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसे आप एडिट कर सकते हो। अगला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें काफ़ी लोगों की यही कमेंट आ रही थी कि डिटेल में बताइए कैसे हमको सॉन्ग लगाना है, कैसे फ़ोटो को जूम करना है, किस तरीके से करना है और कहाँ से सॉन्ग लाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे सॉन्ग लाने के लिए आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ और आपको आना है सॉन्ग लाने के लिए यहाँ पे आना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आना है और सिंपल इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर रील्स पर क्लिक करना है और गाना जो है प्ले हो जाएगा। अब जो भी गाना आपको चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारा गाना दिख जाएगा, यानी सॉन्ग दिख जाएगा, जो भी आपको पसंद आएगा सॉन्ग या जो भी फनी चाहिए आपको यहाँ पे सर्च भी कर लेना है। देखिए यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है और जो भी गाना चाहिए उस गाने का या फनी आपको चाहिए तो फनी साउंड आप लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फनी, ठीक है, फनी साउंड या फनी रील लिख देंगे तो भी हमको साउंड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे बहुत सारी हमको फ़नी साउंड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा फ़नी मिल जाएगा। तो इस तरीके का अगर अच्छा चाहिए तो आपको सिंपल इस तरीके से ढूंढ लेना, यानी जो भी चाहिए आपको यहाँ पे लिखना है, आपको बहुत सारा रील्स मिल जाएगा उसमें साउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं रील पे आता हूँ और मान लीजिए हमको कोई सॉन्ग पसंद आ गया और वो हम अपनी ब्लॉग वाले वीडियो में जूम करके वहाँ पर उस साउंड को लगाना चाहता हूँ, तो सिंपल हम करेंगे क्या, स्क्रॉल करेंगे और जो भी सॉन्ग लगाना चाहते हैं यानी उस पर जो भी सॉन्ग मैच करेगा वही सॉन्ग हम लगाएंगे, ठीक है, जो अच्छा लगेगा उस पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या, नीचे की तरफ आपको थ्री डॉट दिखेगा, ऊपर आपको एक तीर का आइकन दिखेगा, ठीक है, तीर के आइकन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। इसको हम यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड रील टू योर स्टोरी लिखा हुआ आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे थ्री डॉट दिखेगा, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे सेव पे हम क्लिक कर देंगे तो ये साउंड के साथ यानी गाने के साथ हमारे गैलरी में सेव्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो भी म्यूजिक जो भी सॉन्ग लगाना होगा सिंपल सर्च करना है और अपने गैलरी में सेव कर लेना। देखिए ये सेव्ड हो गया, मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से इंस्टाग्राम को क्लोज कर देंगे और गैलरी पे आके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने सेव किया था और ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी सॉन्ग, कोई भी म्यूजिक, कोई भी फनी साउंड चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगा इजीली, आपको इस तरीके से सेव कर लेना अपनी गैलरी में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है अपनी वीडियो पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जिसको भी जूम आउट यानी जिसको भी यानी जो भी वीडियो में आपके
ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ ये हमारी वीडियो में घूर रहे हैं देखते ऐसे लग रहा है, तो आपको उनके मतलब यहाँ से देखिए, मैं स्क्रॉल करके आपको बता रहा हूँ ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ और देख ये देख रहा है मुझे कि कहाँ पे लोग घूर रहे हैं ठीक है, वहाँ पे हम ले जाके रोक देंगे वीडियो को ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक भैया जो है इधर से ये देख रहे हैं हमको ठीक है। तो सिंपल अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे इनको हम जूम आउट करें कैसे करेंगे, तो जहाँ पे भी जो भी लोग घूर रहे हैं और जिनको भी हम चाहते हैं जूम आउट करके दिखाना, तो सिंपल वहाँ पे अपने फ़ोन यानी ये इसको स्क्रॉल कर रहे हैं इसको वहीं पे रोक देंगे ठीक है। देखिए जैसे कि भैया पीछे वाले भैया जो है घूर रहे हैं यहाँ पे ठीक है, तो इनको हम चाहते हैं कि जूम आउट करके दिखाऊं, तो अब यहाँ पे रोकेंगे और नीचे आएंगे ठीक है। नीचे की तरफ फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फ्रीज का ठीक है, फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ठीक है। यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक 3 सेकेंड का फोटो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फोटो क्लिक हो गया, अब ये सिंपल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चाहे तो अपनी फोटो को क्लिप को बढ़ा सकते हो ठीक है, आप चाहे तो 3 सेकेंड से आप अधिक कर सकते हो, 5 सेकेंड 6 सेकेंड कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप 3 सेकेंड या अधिक से अधिक 4 सेकेंड ही रखें, ज़्यादा मत रखें ठीक है, नहीं तो कॉपीराइट का भी डर रहता है फ्रेंड ठीक है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो आपको कॉपीराइट से बचना है तो सिंपल आपको 3 सेकेंड ही रखना है ठीक है। 3 सेकेंड में बहुत कुछ आप लगा सकते हो भाई ठीक है, मतलब अपने पसंद का साउंड लगा सकते हो ठीक है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे तो कट हो गया यानी फोटो एक फ्रीज हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ये व्हाइट वाला लाइन जो दिख रहा है इसके पास में आना है, जो पीला पट्टी यहाँ पे एक दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो पीला पट्टी है ना व्हाइट वाले लाइन को एकदम से उसको सटा के रखना है। जैसे ही सटा के रखेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर आपको फ्रीज एक की फ्रेम लिखा हुआ दिखेगा, की फ्रेम जो पीला ये लाइन है इसमें आपको की फ्रेम यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है। अब अपनी फोटो को स्क्रॉल करके लास्ट में आना है ठीक है, लास्ट वाले पीले पट्टी के साइड ये पास आना है व्हाइट वाले लाइन के ठीक है, ये जो व्हाइट वाला लाइन दिख रहा है इसके पास आ जाना है पीला पट्टी के पास ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फिर से की फ्रेम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपकी फ़ोटो को यहाँ पर दोनों उंगली इस तरीके से रखना है और फोटो को जिनको भी दिखाना चाहते हैं उनके पास उनको मतलब अपने बीच में लाकर जूम कर दो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भैया देख रहे हैं मुझे, तो इनको मैं चाहता हूँ जूम आउट करके दिखाना, मतलब जूम इन करके दिखाना, तो इनको जूम कर दिया ठीक है। अब जूम करने के बाद से देखिए हम क्लिक कर दिए यहाँ पे, अब देखिए हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से चलेगा, चल रहा है ना। अब सिंपल करेंगे क्या, यहाँ पे अब ये चलने लगेगा तो अब आपको करना क्या, स्टार्टिंग में आना है इस फोटो के ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएंगे ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्यूरेट जो जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे आ जाएंगे, फिर लास्ट में कट करेंगे तो वहाँ पर भी आ जाएंगे ठीक है। तो इस तरीके से आ जाना है। अब यहाँ पर साउंड लगाना है, साउंड लगाने के लिए सिंपल यहाँ पर ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा टेप टू एड स्टीकर, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टॉक पर क्लिक करना है ठीक है, यानी फोटो वीडियो लिखा हुआ दिखेगा आपको, इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, जब जहाँ भी आपने रील्स से जो भी सेव करके रखा है उसको सिंपल सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ से एक साउंड बहुत सारा साउंड सेव करके रखा है एक सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ ठीक है, चलिए ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है, ये काफ़ी ऑसम है, इसको सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो ठीक है, अपने इस फोटो पे सेलेक्ट ही रखना है ठीक है, सेलेक्ट रखना है जो भी साउंड है इस पे सेलेक्ट रखना है। और नीचे यहाँ पे लिखेगा लिखा हुआ दिखेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे अब आपकी ये वीडियो से आपकी ऑडियो निकल जाएगी, अब इस वीडियो पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना ठीक है। अब सिंपल ऑडियो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका ऑडियो है जो आपने इस पे लगाया इस फोटो पे ठीक है। अभी प्ले करके इस तरीके से देख लेना ठीक है। तो मैं यहाँ से देखिए लास्ट पे आता हूँ और यहाँ पे कट कर लेता हूँ इस वाले लास्ट पोजीशन पे ठीक है। तो इसके लास्ट पोजीशन पे आएंगे और यहाँ से इस साउंड को कट कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैंची पे क्लिक करके कट कर लेंगे और पीछे वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे ठीक है। अब देखिए मैं आपको सुनाता हूँ ठीक है, साउंड को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ठीक है, यहाँ पर प्ले करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से आपको कोई भी साउंड लगाना है और इस तरीके से ही जूम करना है। जैसे मान लीजिए आगे और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ जो भी रिएक्शन लोगों की है। देखिए यहाँ पे एक मैम जो है एक काफ़ी अच्छा स्माइल कर रही है ठीक है। तो इनको मैं चाहता हूँ अपने इस ये वीडियो में मैं जूम करके इनको दिखाऊं और एक फ़नी सा साउंड लगा दूं ताकि लोगों को अच्छा लगे ठीक है, एंटरटेन करा सको ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पे रोकेंगे और ये मैम जो है
मतलब कुछ जाती हुई नजर आई, तो इनको मैं चाहता हूँ दिखाना। तो यहाँ पे फ्रिज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फ्रिज पे क्लिक करने के बाद फोटो पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग वाले पार्ट पे सेलेक्ट ही रहेगा और यहाँ पे की फ्रेम पे क्लिक कर देंगे, फिर से लास्ट वाले पोजीशन पे आएंगे और की फ्रेम पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इस फोटो को हम अपने दोनों उंगली से कुछ इस तरीके से रखेंगे और जिनको भी दिखाना चाहते हैं उनके पास इस तरीके से हम जूम करेंगे, ठीक है, जिनको भी दिखाना चाहते हैं उनको बीच में लाकर यहाँ पे इस तरीके से फोटो उनका जूम कर देंगे, ठीक है। तो मैं मैम को दिखाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैम की फ़ोटो को जूम कर देता हूँ, देख सकते हैं, और सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर में ला देंगे, जहाँ पे भी रखना चाहते हैं आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इतना सेंटर पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या कुछ इस तरीके से प्ले होगा, इस तरीके से। अब इस पर साउंड लगाना है, तो सिंपल आपको करना क्या है, स्टार्टिंग वाले पार्ट पे यहाँ पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाले पार्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे टैप टू एडिट स्टिकर पे क्लिक करना है और यहाँ फोटो वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद से जो भी आप साउंड लगाना चाहते हो उस साउंड को सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यानी रील से आपको सेव करके रखना है और सिंपल यहाँ से सेव कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद से अब इस एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके इसकी ऑडियो को निकाल लेंगे और इस वीडियो को पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। अब जहाँ तक ये ऑडियो है, ठीक है, वहाँ यानी ये क्लिप है वहाँ तक इस ऑडियो को रखेंगे और बाकी को कट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको कट कर देंगे और ये पीछे वाले पार्ट को सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर देंगे। देखिए जितना हमारा ये ऑडियो है उतना ये फोटो है और उतना ही ये ऑडियो हो चुका है, ठीक है। अब प्ले करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आपको इस तरीके से करने के बाद सिंपल आपकी वीडियो यानी जहाँ पे भी जो भी लोगों की रिएक्शन आपको दिख रहा है और आप चाहते हैं उनको जूम करके दिखाना, तो वैसे ही आपको जूम करना है, ठीक है। और जूम करके लोगों की रिएक्शन को आपको सिंपल रिकॉर्ड यानी वहाँ पे साउंड लगा के बस छोड़ देना है, आपकी वीडियो अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। एडिट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव्ड हो जाएगा। फिलहाल मैं सेव नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे एक बात और बता दूँ फ्रेंड्स, कलर ग्रेडिंग को लेकर बहुत ही लोगों की कमेंट आ रही है कि कैसे हम कलर ग्रेडिंग करें। अगर आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो तो फ्रेंड्स इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप कलर ग्रेडिंग भी सीख सकते हैं और अपनी वीडियो को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको टाइगर किरण ब्लॉग्स उनके जैसा वीडियो एडिटिंग करना, ठीक है। और मेरा भी वीडियो देखना चाहते हो तो सेम वैसे ही मैं भी वीडियो क्रिएट करता हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और उस चैनल का नाम है कृष्णा एम ब्लॉग्स, ठीक है। तो दोस्तों दोनों लोग सेम टाइप की वीडियो बना रहे हैं, अगर देखना चाहते हो तो विजिट करना चैनल पे और देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।